सो विल स्टार्ट विथ नेक्स्ट चैप्टर दैट इज एटम्स एंड न्यूक्लियाई। तो पहले हम एटम्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन विल गो अहेड विथ न्यूक्लियाई पार्ट। अब इसमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो सीईटी में आ सकते हैं लेकिन स्टेट बोर्ड में कवर नहीं होता है, तो ऑफकोर्स जेईई नीट में तो आया ही है वो। तो वन सच क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर वन, जो प्रोबेबली सीईटी में पूछ सकते हैं लेकिन सीईटी में कवर नहीं होता। व्हेन अल्फा पार्टिकल ऑफ मास एम मूविंग विथ वेलोसिटी वी बम्बार्ड्स ऑन अ हेवी न्यूक्लियस ऑफ चार्ज जेड ई, इट्स डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फ्रॉम द न्यूक्लियस डिपेंड्स ऑन मास एम एस। तो क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हमारे पास एक अल्फा पार्टिकल है जिसका मास एम है, इट इज मूविंग विथ स्पीड वी एंड इट बम्बार्ड्स, मतलब इट हिट्स हेवी न्यूक्लियस विथ चार्ज जेड ई, द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज। इमेजिन ये अल्फा पार्टिकल है एंड यू ऑलरेडी नो अल्फा पार्टिकल में दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होते हैं एंड यू ऑलरेडी नो चार्ज इज 2e, मास इसका m बोला है। हमको पता है व्हाट इज मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, 4 into मास ऑफ न्यूट्रॉन, क्योंकि दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास रफली सेम होता है, लेकिन उन्होंने बोला है m तो हम लोग m यूज करेंगे। इसका इनिशियल स्पीड है v, इनिशियल स्पीड इज v। नाउ हमारे पास और एक हेवी न्यूक्लियस है विथ चार्ज जेड ई, तो यू हैव अनदर हेवी न्यूक्लियस विथ चार्ज जेड ई विच इज स्टेशनरी, और ये इसको वैसे प्रोजेक्टाइल भी बोलते हैं बिकॉज इट इज मूविंग एंड इट विल हिट। तो इनिशियली डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑफ दिस इज वेरी लार्ज, और आपको पता होना चाहिए जब डिस्टेंस वेरी लार्ज हो तो पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल जो डिपेंड करता है 1 अपॉन डिस्टेंस पे, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई आर। व्हेन आर इज वेरी लार्ज रफली रफली इन्फिनिटी, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी बिकम्स जीरो, तो इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी क्या है? जीरो है। तो ऑल द एनर्जी इज ओनली काइनेटिक, और काइनेटिक एनर्जी भी सिर्फ अल्फा पार्टिकल के पास है क्योंकि वो तो स्टेशनरी है। अब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच मतलब क्या? पहले तो ये चीज अच्छे समझ लो कि ये न्यूक्लियस है, ये भी न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस न्यूक्लियस मतलब बोथ आर पॉजिटिवली चार्ज, तो बोथ विल रिपेल ईच अदर। अब होगा क्या? बिकॉज अल्फा पार्टिकल के पास एनर्जी है तो अल्फा पार्टिकल मूविंग है, और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी में मान लेता हूँ वी है, बोला भी है उन्होंने वी। नाउ इट इज मूविंग एंड एज इट इज मूविंग टुवर्ड्स दिस न्यूक्लियस विच इज पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो क्या होगा? रिपल्शन। रिपल्शन होगा तो स्पीड कम 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 होता जाएगा, स्पीड विल गो ऑन डिक्रीजिंग, और मिनिमम डिस्टेंस पे, फॉर मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दीज टू, मैं मान लेता हूँ मिनिमम डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है इसको मान लेते हैं आर नॉट, इसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्यों? क्योंकि इससे और डिस्टेंस कम नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि जितना भी काइनेटिक एनर्जी था वो पूरा का पूरा लॉस हो गया। पार्टिकल जैसे 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 पास जा रहा था, अल्फा पार्टिकल बीइंग पॉजिटिव, न्यूक्लियस भी पॉजिटिव, रिपल्शन की वजह से द काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट, तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ, लेकिन किसका गेन हुआ? पोटेंशियल एनर्जी। मतलब आपको यहाँ पे ऐसे टाइप के क्वेश्चन में क्या अप्लाई करना है? लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल, या फिर कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी, दिस इज कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी इटसेल्फ। अगर आप डायरेक्टली बोलोगे टोटल एनर्जी इनिशियल टोटल एनर्जी फाइनल, वो भी ठीक है, टोटल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल, दैट इज फाइन। तो दिस इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी राइट प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, गुड राइट? रिमेंबर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर एंड पोटेंशियल इज जीरो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज जीरो एंड एंड दिस इज एम जी, कैसे आएगा? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 चार्ज अल्फा पार्टिकल 2e, Q2 इज जेड ई अपॉन आर, गुड। तो 1 बाई 2 mv स्क्वायर, और बाय द वे हमने इसको बोला है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आर जीरो, दिस इज इक्वल टू ये 4 और ये 2 1 कैंसिल, ये और ये भी हो गया कैंसिल। तो बेसिकली मैं नेक्स्ट स्टेप में कैंसिल कर देता हूँ इसको। तो व्हाट यू विल हैव इज दिस,
वन जा टू जा टू टू हो गया कैंसल, आर नॉट को यहां लेके आ जाओ, दिस इज इक्वल टू वन अपॉन पाई एप्सिलॉन जीरो एम वी स्क्वेयर और ऊपर जेड ई स्क्वेयर, इसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच मास पे कैसा डिपेंड कर रहा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ऑप्शन नंबर सी डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी जो अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन वो और ये क्वेश्चन सेम है। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो अगला क्वेश्चन भी वही है, सिर्फ पूछने का तरीका अलग है, थोड़ा सा अलग है। एन अल्फा पार्टिकल, अल्फा न्यूक्लियस मतलब अल्फा पार्टिकल ऑफ एनर्जी हाफ एम वी स्क्वेयर बम्बार्ड्स अ हैवी न्यूक्लियर टारगेट ऑफ चार्ज जेड ई, देन द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फॉर द अल्फा पार्टिकल विल बी प्रोपोर्शनल टू वन बाई एम। सेम, अगला क्वेश्चन भी सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ यहाँ पे अल्फा पार्टिकल और हैवी न्यूक्लियस नहीं बोला, इन्होंने बोला रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या करते हो? यही तो करते हो, एक टारगेट होता है और एक प्रोजेक्टाइल होता है, तो वही बताया वापस, मतलब सिचुएशन वापस वही है, सिर्फ रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में हम लोग टारगेट लेते हैं गोल्ड का और पार्टिकल होता है अल्फा पार्टिकल। इन रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट व्हेन अ प्रोजेक्टाइल, मतलब जैसे अल्फा पार्टिकल वैसा कोई पार्टिकल है, प्रोजेक्टाइल ऑफ चार्ज जेड वन एंड मास एम वन अप्रोचेस अ टारगेट ऑफ न्यूक्लियस जेड टू एंड मास एम टू, द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोचेस आर जीरो, द एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज, एनर्जी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज, एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल वही तो लिखना है वापस से, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल ये लॉस होके कन्वर्ट हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी में, वही सब कुछ है, वही है, सिर्फ मैं पूरा लिखूंगा नहीं, अब सेम थिंग, टोटल एनर्जी इनिशियल इक्वल टोटल एनर्जी फाइनल, टोटल एनर्जी इनिशियल इज काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, पोटेंशियल इज जीरो, क्या क्या बचा, ये किसका एनर्जी है, किसका है? हाँ तो फिर वही तो पूछा है, द एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज हाफ एम वी स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा पोटेंशियल, तो क्या आएगा जीरो, क्यू वन क्यू टू बाय आर, क्यू वन कितना बोला है जेड वन, क्यू टू कितना बोला है जेड टू, डिस्टेंस कितना है आर नॉट, तो एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू क्या आया, जेड वन इंटू जेड टू, खत्म हो गया क्वेश्चन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड वन इंटू जेड टू डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन थ्योरी क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा थ्योरी पता भी होना चाहिए, फिर आपको एटॉमिक मॉडल्स आपने देखा था थ्योरी में, एटॉमिक मॉडल्स कौन कौन से एटॉमिक मॉडल आपको पता है? डाल्टन, वन बाय वन, वन बाय वन, डाल्टन फिर थॉमसन फिर रदरफोर्ड बोहर, राइट। तो डाल्टन का एटॉमिक मॉडल क्या था? एटम इज अ सॉलिड स्फीयर विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, ओके इनडिविजिबल है, डन। इन एन एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू ग्लास ट्यूब, अगर आपको याद होगा इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब का एक्सपेरिमेंट करा था, कौन करा था? थॉमसन। एक्सीडेंटली कैथोड से सम रेज वेर इमिटेड, पहले उसने रेज बोला, बाद में फर्दर एनालिसिस शोड कि ये रेज नहीं है, ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, बराबर। जो जे जे थॉमसन ने, डेल्टन का मॉडल तो इनडिविजिबल है, थॉमसन के मॉडल में कैथोड में से नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इमिट हो रहे थे, उसके बाद थॉमसन ने बोला ये जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है ये इलेक्ट्रॉन्स है, दैट वाज द फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रॉन नेम वाज यूज्ड। तो लोगों ने पूछा कि फिर पॉजिटिवली चार्ज क्यों नहीं इमिट हुआ, नेगेटिव चार्ज ही क्यों इमिट हुआ, पॉजिटिव इज हैवी, तो उसने बोला कि पॉजिटिव चार्ज इज लाइक प्लम मतलब सॉलिड स्पीयर और उसके ऊपर छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स है, बराबर। फिर रदरफोर्ड ने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से ये गलत शो किया, रदरफोर्ड का मॉडल आया इन विच ऑल द पॉजिटिव चार्ज वॉज कॉन्सेंट्रेटेड एट द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस वॉज द फर्स्ट टाइम दिस वर्ड वॉज यूज, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले थॉमसन ने ये वर्ड यूज किया और न्यूक्लियस रदरफोर्ड ने। फिर लोगों ने पूछा कि फिर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ है, तो उसने बोला जैसे प्लैनेट रिवॉल्व होते हैं अराउंड सन वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस, बट ही कुड नॉट गिव एनी एक्सप्लेनेशन फॉर दिस, उसने सिर्फ बता दिया ऐसा होता है, राइट। लेकिन फिर अगर ऐसा होता है
एनी चार्ज पार्टिकल विच इज इन सर्कुलर मोशन, और अगर आपको याद है सर्कुलर मोशन चाहे यूनिफॉर्म भी क्यों नहीं हो, इट इज एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेशन टूवर्ड्स सेंटर, सेंट्रिपिटल, वी स्क्वायर बाय आर, आर ओमेगा स्क्वायर, वी ओमेगा, तीन तीन फॉर्म उसके। तो अगर चार्ज पार्टिकल का एक्सेलरेशन होगा तो चार्ज पार्टिकल एनर्जी रेडिएट करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन शुड रेडिएट एनर्जी कंटिन्यूअसली, और अगर ऐसा हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन इज लूजिंग इट्स एनर्जी, अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करता है तो धीरे धीरे वो एटम मतलब न्यूक्लियस के अंदर स्पाइरल हो जाएगा। तो द आइडिया वॉज ये न्यूक्लियस है एंड यू हैव इलेक्ट्रॉन विच इज रिवॉल्विंग अराउंड इन सर्कुलर ऑर्बिट, बट अगर ऐसा होता है तो सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन एंड एनी चार्ज पार्टिकल इफ इट इज एक्सेलरेटेड इट लूजेस एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे करके न्यूक्लियस के अंदर जाना चाहिए था, इसका मतलब ये एटॉमिक मॉडल स्टेबल नहीं है, दिस इज नॉट स्टेबल। फिर स्टेबिलिटी किसने एक्सप्लेन किया? बोहर्स ने। तो ये सब पता होना चाहिए। अब अंडर ऑल दिस बेसिक हिस्ट्री, हिस्ट्री पे भी क्वेश्चन आते हैं भी, क्या करेंगे? जे जे थॉमसन कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट कैथोड रेज आर स्ट्रीम्स ऑफ नेगेटिवली चार्ज आयोन्स। यस, चार्ज पार्टिकल्स को उसने तब आयोन्स बोला था, तो करेक्ट है, राइट? वेट, लेकिन पूरा आगे पढ़ लो। ऑल द मास ऑफ एन एटम इज एसेंशियली इन द न्यूक्लियस, करेक्ट है, लेकिन ये थॉमसन ने नहीं बोला, ये रुदरफोर्ड ने बोला। द ई बाई एम इलेक्ट्रॉन टू मास रेशो, इसको स्पेसिफिक चार्ज भी बोलते हैं। द स्पेसिफिक चार्ज ई बाई एम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मच ग्रेटर देन दैट ऑफ प्रोटॉन। यस, दिस इज ऑल्सो आउटकम ऑफ थॉमसन मॉडल ओनली। तो ये हमको थ्योरी में मेंशन नहीं होता स्टेट बोर्ड में, बट एनसीईआरटी में ये मेंशन है, तो यू शुड नो दिस। द ई बाई एम रेशियो ऑफ कैथोड रे पार्टिकल चेंजेस वेन अ डिफरेंट गैस इज प्लेस्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब। नो, तो देर इज नो इफेक्ट ऑन ई बाई एम ऑफ कैथोड रेज। आप जो डिस्चार्ज ट्यूब था उसमें से तुम नियॉन निकाल के तुम अर्गॉन डाल दो, अर्गॉन निकाल के तुम हेलियम डाल दो, देर इज नो चेंज इन ई बाई एम। तो ऑप्शन नंबर ए एंड सी बोथ आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन वेरी सिंपल अगेन और वेरी रिसेंट, नीट 2022, एनसीईआरटी 426 एंड 427। लेट टी वन एंड टी टू बी द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एंड सेकेंड एक्साइटेड स्टेट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम रिस्पेक्टिवली। अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल ऑफ एटम द रेशियो ऑफ टी वन बाई टी टू इज, पहले तुम लोग बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्राउंड स्टेट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्साइटेड स्टेट? फर्स्ट एन इक्वल टू वन इज ग्राउंड स्टेट। देखो बात ऐसी है, हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? वन एंड ओनली वन, सिंगल। कहाँ होना चाहिए आइडियली? फर्स्ट ऑर्बिट में होना चाहिए, वेरी गुड, उसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, राइट? इसका मतलब ये तो नहीं है कि बाहर के लेवल्स है ही नहीं है, बट दे आर एम्प्टी। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन था हाइड्रोजन एटम का नॉर्मली वो होता है यहाँ पे एन इक्वल टू वन, इसको आप बोलते हो ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हो इसको? ग्राउंड स्टेट, एन इक्वल टू वन इज ग्राउंड स्टेट। और अगर इसको एनर्जी मिल जाए समहाउ, समहाउ मतलब हीट से भी मिल सकता है, किसी और मेथड से मिल सकता है, तो इट मे गो टू हायर स्टेट्स, इसको बोलते हो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो एन इक्वल टू टू इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो मैं एक काम करूंगा, इसको मैं एन वन बोल देता हूं। अगर ये और ऊपर गया मतलब थर्ड ऑर्बिट में गया तो इसको बोलेंगे सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, तो दिस विल बी कॉल्ड एज सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। एंड देन अगर आपको याद होगा हमने एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला डिराइव किया था -13.6 बाय एन स्क्वेयर, ये हाइड्रोजन के लिए है और हाइड्रोजन लाइक के लिए जेड स्क्वेयर है। हाइड्रोजन लाइक मतलब जैसे हीलियम हो गया, लिथियम हो गया। अब हाइड्रोजन लाइक किसको बोलते हैं? नंबर वन, बोहर्स मॉडल इज ओनली एप्लीकेबल टू हाइड्रोजन लाइक एटम्स, हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन लाइक। अब हाइड्रोजन लाइक मतलब क्या? सपोज मेरे पास हीलियम एटम है, हीलियम एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? दो, एक को निकाल दिया, क्या बन गया? एच ई प्लस। तो ये हाइड्रोजन जैसा ही है क्योंकि हाइड्रोजन में भी एक इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, राइट? लिथियम है, लिथियम से दो इलेक्ट्रॉन को भगा दिया, एल आई प्लस प्लस, डबल आयनाइज लिथियम, तो वो भी कैसा है? हाइड्रोजन लाइक है। तो अगर हीलियम है तो जेड क्यों लिख, क्या लोगे? टू। लिथियम है तो क्या लोगे? थ्री। हाइड्रोजन है तो क्या लिखोगे? वन।
इन अ वे फिलहाल तो जरूरत नहीं होगी, हाइड्रोजन बोला है, लेकिन व्हाट डू यू सी इज एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, दैट इज व्हाट यू नीड टू नो। अब आपको बोला है व्हाट इज द रेशियो ऑफ एनर्जी, रेशियो ऑफ एनर्जी किसका, हाइड्रोजन का, इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू दैट ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। और एनर्जी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का डिनोट किया है T1 से और सेकेंड का डिनोट किया है T2 से, लेकिन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, N2 स्क्वायर बाय N1 स्क्वायर। तो T1 बाय T2, व्हाट इज N2, सेकेंड एक्साइटेड मतलब थर्ड ऑर्बिट, तो क्या आएगा 3 स्क्वायर, N1 2 स्क्वायर, तो आंसर क्या आएगा 9:4, ऑप्शन नंबर डी खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन डन। तो एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, दैट इज ऑल यू नीड टू नो। अब ये क्वेश्चन भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मैंने अभी बता दिया था आपको। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग बोहर मॉडल इज नॉट वैलिड, बोहर्स मॉडल इज वैलिड ओनली फॉर हाइड्रोजन लाइट, 2020 का नीट का क्वेश्चन है। सिंगली आयनाइज हीलियम एटम इज हाइड्रोजन लाइक, क्योंकि दो में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो एक ही बचेगा, हाइड्रोजन में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक गया तो HE+ बन गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन मतलब हाइड्रोजन जैसा है, इसके लिए वैलिड है। यस, ड्यूटेरॉन तो है ही हाइड्रोजन का आइसोटोप, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है, 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन ड्यूटेरॉन, 1 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन ट्रिशियम, तो उन तीनों के तो बाय डिफॉल्ट एप्लीकेबल है ही, तो किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, नियॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन भी जोक है, 2019 नीट NCERT एंड पीपल से NCERT इज डिफिकल्ट, आई डोंट नो व्हाई। चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ, पहले मैं आपको उसका मेथड बताता हूँ, फिर मैं बताऊंगा कि करना ही नहीं है सॉल्व, क्योंकि डायरेक्टली सॉल्व होता है। टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इन एन ऑर्बिट इज 3.4 eV, द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और एटम इज रिस्पेक्टिवली। अब ऐसा है, ऑप्शन नंबर सी क्यू, अगर आपको याद होगा, पहले तो याद होना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड करते हो, 1/4πε0Q1Q2R। हाइड्रोजन के लिए ई प्रोटॉन में चार्ज कितना, ये प्रोटॉन है, ये न्यूक्लियस है, मतलब न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन मतलब ई Q1 और Q2 इज माइनस ई, तो प्लस ई इंटू माइनस ई Q1Q2/R, तो ये क्या हो जाएगा 1/4πε0E²/R विद अ नेगेटिव साइन, तो ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, -1/4πε0E²/R। आर स्क्वायर फोर्स होता है, हम पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं। और अगर आप लोगों को काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है तो बोहर का पहला पोस्टुलेट बोहर ने ये बताया था कि व्हाट रदरफोर्ड इज सेइंग इज करेक्ट, इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन, लेकिन सर्कुलर मोशन के लिए नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स कहाँ से आ रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो सेंट्रीपेटल फोर्स mv² / r इज इक्वल टू 1/4πε0ze² / r, जेड ई, लेकिन हम लोग हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं तो जेड की वैल्यू आएगी 1, हाइड्रोजन ही बोला है ना, यस, इन एन एटम, ठीक है, इन एन एटम कोई बात नहीं, इन एन एटम में हाइड्रोजन एटम मान लेता हूँ, क्या फर्क पड़ता है, ये आर स्क्वायर होगा क्योंकि ये फोर्स है, ये और ये हो गया कैंसल, तो हाफ से मल्टीप्लाई कर लो तो 1/8πε0E²/r, ये आ गया काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के लिए हमने बोहर का फर्स्ट पोस्टुलेट यूज किया, आर आर कैंसिल कर दिया और हाफ हाफ से मल्टीप्लाई कर लिया, तो मिल गया आपको काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट, क्योंकि हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में होता है, डन। आपको टोटल एनर्जी चाहिए, व्हाट इज टोटल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, और इस केस में अगर आप प्लस कर भी लेते हो, दोनों को ऐड कर लेते हो, तो क्या आता है पता है, -1/8πε0E²/r। तो व्हाट डू यू नोटिस, काइनेटिक एनर्जी
काइनेटिक एनर्जी इज माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। तो एक्चुअली मैं मॉड वाइज बात करूं तो मॉड्यूलस वाइज काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी आर सेम, सिर्फ टोटल होता है नेगेटिव, काइनेटिक होता है पॉजिटिव। व्हाट इज टोटल एनर्जी गिवन टू यू? 3.4। तो काइनेटिक क्या है? 3.4 विद पॉजिटिव, तो नेगेटिव तो नहीं आ सकते, राइट? नंबर टू, अगर आपने नोटिस किया होगा पोटेंशियल ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो ये जो आपने लिखा 1/8 पाई एप्सिलॉन 0, कैन यू राइट दिस एज 1/2 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 a² / r? तो मॉड वाइज बात करोगे, मॉड्यूलस वाइज, तो दिस इज पोटेंशियल एनर्जी बाय टू। तो काइनेटिक एनर्जी इज पोटेंशियल बाय टू, तो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? 3.4, उसका डबल 6.8। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होता है क्योंकि एक चार्ज पॉजिटिव है और एक चार्ज नेगेटिव है। जब दोनों चार्ज पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव, जब दोनों चार्ज नेगेटिव हो तो पॉजिटिव, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो तो नेगेटिव। और इसको बोलते हो बाउंड सिस्टम। क्या बोलते हैं उसको? तो जब भी सिस्टम बाउंड हो, अट्रैक्टिव फोर्सेस हो, तो मैंने पहले भी बहुत बार बताया है, व्हेन एवर यू हैव सिस्टम लाइक अर्थ एंड सन, मून एंड अर्थ, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, इस केस में काइनेटिक पॉजिटिव आएगा टोटल और पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव आएगा। तो मुझे बताओ पोटेंशियल क्या आना चाहिए? डबल ऑफ काइनेटिक मतलब 6.8 विद साइन, ऑप्शन नंबर सी। तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है इसको डायरेक्टली। टोटल एनर्जी दिया है 3.4, तो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? 3.4। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? 6.8 विद नेगेटिव साइन। डन। तो नथिंग टू राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये फॉर्मूलाज आपको ऑलरेडी मैंने दिए हैं और ये काम आपका है कि रिवाइज करके आना है, तो आई विल नॉट गिव यू टाइम टू राइट दिस थिंग्स डाउन। ये पता होना चाहिए बाय डिफॉल्ट। आई विल कीप दिस इन पीडीएफ बट नॉट लेट यू राइट इट डाउन नाउ। अब ये जो क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा करेक्शन है। लास्ट बैच के लिए मैंने उनको बोला ढूंढो आंसर, अभी देखते हैं आप ढूंढ के बताते हो क्या। द रेडियस ऑफ फर्स्ट परमिटेड बोर ऑर्बिट, फर्स्ट परमिटेड बोर ऑर्बिट फॉर इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इक्वल्स 0.51 एंगस्ट्रॉन्ग एंड इट्स ग्राउंड स्टेट एनर्जी इक्वल्स -13.6 eV। इफ द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस बाय म्यूऑन, इलेक्ट्रॉन निकाल लिया म्यूऑन डाल दिया उसकी जगह पे, चार्ज सेम एज इलेक्ट्रॉन एंड मास इज 207 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट बोहर रेडियस एंड ग्राउंड स्टेट एनर्जी विल बी। तो हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम था, उसमें सिर्फ हमने इलेक्ट्रॉन को निकाल के म्यूऑन डाल दिया, तो उसका रेडियस और ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितना होगा? व्हाट इज द न्यू एनर्जी? तो सबसे पहले इफ यू सी क्वेश्चन, अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो म्यूऑन का चार्ज सेम है लेकिन मास अलग है। मतलब तुमको रेडियस का मास के साथ रिलेशन ढूंढना है, इन शॉर्ट, इन सिंपल लैंग्वेज, राइट? तो अगर आपको याद है तो गुड, नहीं याद है तो फिर वापस आपको वो सब डिराइव करना पड़ेगा। यू नो बोहर्स के तीन पोस्टुलेट थे। पोस्टुलेट नंबर वन, सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नंबर टू, ओनली दोज ऑर्बिट्स आर अलाउड इन विच एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। नंबर थ्री, इलेक्ट्रॉन्स मतलब एटम विल इमिट रेडिएशन ओनली व्हेन देर इज ट्रांजिशन फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, En-Ep इक्वल टू एच न्यू मतलब hc/λ। पहले दो पॉस्टुलेट तुम अप्लाई करते हो तो तुमको आर भी मिलता है, तुमको वी भी मिलता है। कैसे? पहला पॉस्टुलेट था mv² / r इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ze² / r² कैंसिल एंड कैंसिल। जेड में जानबूझ के रख रहा हूं, मुझे पता है हाइड्रोजन एटम है तो मैं बाद में हाइड्रोजन एटम के लिए जेड की वैल्यू 1 लिख दूंगा, पर फिलहाल नहीं, फिलहाल टेम्पररी आई नीड दिस, आई विल कीप दिस। v² इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ze² / mr, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड पॉस्टुलेट, एंगुलर मोमेंटम इज एन एच अपॉन 2 पाई, बट एंगुलर मोमेंटम इज mvr(nh/2π) आर नहीं वी, वी इक्वल टू nh/2π/1/mr, सिर्फ एम आर को शिफ्ट कर दिया, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, v² इक्वल टू क्या आएगा? n² h² /
पाई स्क्वायर और यहाँ पे 1 बाय m² r² लेट अस कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर टू, इसको इक्वेशन नंबर टू बोल देंगे। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड सॉरी लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर वन एंड टू दे आर इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू व्हाट यू गेट इज n² h² अपॉन 4π² m² r² इक्वल टू वन अपॉन 4π ε₀ रेडियस स्क्वायर बाय आर आर आर, और साथ में m भी है क्या? यस साथ में m भी है। तो एक फोर एक पाई कैंसिल, बाकी कुछ कैंसिल हुआ क्या? नहीं, हमको चाहिए था आर, ये आर को तुमने वहां भेज दिया तो आर इक्वल टू आर n² h² इप्सिलॉन जीरो, ये भी आ जाएगा इधर राइट अपॉन पाई पाई एम ई स्क्वायर और साथ में जेड, और जानबूझ के इंटेंशनली याद रखना ये n² और z को बाहर रखो, दैट इज ऑन इंटेंशन। तो ये बन गया फॉर्मूला। तो अगली बार से व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू इज, जैसे मैंने पूछा बताओ व्हाट इज r, तो यू शुड टेल मी h² ε₀ अपॉन पाई एम ई स्क्वायर n² बाय z, ये याद होना चाहिए। और जिनको याद नहीं रहता तो मैं ट्रिक बता देता हूँ याद रखने की, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुमको हाइड्रोजन एटम के लिए अप्लाई करना है तो z=1, पहला ऑर्बिट है n=1। दूसरा प्रॉब्लम आता है जेड में, जेड ऊपर है नीचे है याद ही नहीं रहता, लॉजिकली लॉजिकली सोचो। तुमने बोला ये जो सेंट्रिपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बराबर। एक प्रोटॉन था एक इलेक्ट्रॉन था तो देर इज सम वैल्यू ऑफ फोर्स, बराबर। अगर मैंने दो प्रोटॉन कर दिए मतलब मैंने हीलियम का न्यूक्लियस कर दिया, तो प्रोटॉन मतलब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में फोर्स बढ़ेगा कि कम होगा? थोड़ा सोच के बताओ, कम होगा कि बढ़ेगा? इंक्रीज होगा, क्योंकि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। तुम न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन बढ़ाते जाओगे तो फोर्स बढ़ेगा, बढ़ेगा पक्का बढ़ेगा, श्योर श्योर। तो फोर्स बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन पास में आएगा कि दूर जाएगा? पास, तो रेडियस श्रिंक होगा, तो जितना जेड बढ़ेगा उतना आर कम होगा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ऐसा याद रखते हैं उसको। क्योंकि यही बेसिक फिजिक्स यही है कि इफ यू आर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस मतलब प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में अट्रैक्शन का फोर्स बढ़ने वाला है तो रेडियस छोटा होने वाला है, तो करेक्ट है, दैट इज अ बेसिक आइडिया। दूसरा, अगर इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट से दूसरे में जाता है, दूसरे से तीसरे में जाता है, तीसरे से चौथे में जाता है, चौथे से पांचवे में जाता है, तो रेडियस बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। हाँ, तो फिर आर शुड बी प्रोपोर्शनल टू n² बिकॉज n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट शेल, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं उसको। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि अगर मैं z की वैल्यू 1 लिखता हूं और n की वैल्यू भी 1 लिखता हूं तो ये होता है रेडियस ऑफ फर्स्ट बोहर ऑर्बिट। इसको नॉर्मली डिनोट करते हैं हम लोग r₀ से, 0.51 angstrom। एंड देन एनर्जी का जब आप इक्वेशन डिराइव करोगे तो वो होता है -13.6 बाय n² z² eV। क्लियर? हमारे पास क्वेश्चन ऐसा था कि हमने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके क्या डाल दिया, क्या डाल दिया? म्यूऑन। तो रेडियस का क्या होगा, रेडियस का क्या होगा? तो देख लो रेडियस का क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल लुक, एच कॉन्स्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, ई भी कांस्टेंट। ऐसा क्यों? एच तो वैसे भी कांस्टेंट था, पाई कांस्टेंट था, ये भी कांस्टेंट था, ये भी कांस्टेंट था। एन, उन्होंने ऐसा बोला कि ऑर्बिट नंबर चेंज हुआ? नहीं, सेम ऑर्बिट में सिर्फ इलेक्ट्रॉन को निकाला, वहां पे म्यूऑन डाल दिया। उन्होंने बोला कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ाए? नहीं, तो वो भी सेम है, तो जेड भी सेम है। तो r is proportional to 1 by m। तो व्हाट विल हैपन टू रेडियस? सिंपल, रेडियस ऑफ म्यूऑन अपॉन रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहले इलेक्ट्रॉन था अभी कौन है? म्यूऑन है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ म्यूऑन, वेरी गुड। तो आर म्यू अपॉन आर ई, व्हाट इज दिस मास? एम ई
और ये कितना नीचे, 207, 207 ME, ME ME कैंसिल हो गया। तो व्हाट इज आर म्यू, आर ई अपॉन 207, व्हाट इज आर ई, 0.51 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम इज 10^2। अब मैंने जानबूझ के 10^-10 लिखा क्योंकि आंसर मीटर में है। देन एक काम करो ना, इसको तुम 51 × 10^-2 कर दो, और नीचे कितना है, 207, रफली रफली स्पीकिंग 1/4, 1/4 इज 0.25, 0.25 × 10^-12 मीटर, 0.25, हाँ 2.56 में दिया हुआ है। तो फिर जब 2.5 लिखोगे तो यहाँ पे 10^-1 और बढ़ेगा, तो -13। तो ये तो पक्का हो गया कि 2.56 × 10^-13 आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी नहीं आ सकता, बराबर क्लियर। ऑप्शन नंबर ए भी नहीं आ सकता, एनर्जी सेम नहीं रहेगा, एनर्जी कैन नॉट बी सेम। क्यों नहीं सेम, बिकॉज आई विल टेल यू, ये सारा प्रोसेस अगर तुमको ध्यान होगा अच्छे से, इफ यू सी, चलो नहीं भी ध्यान है ठीक है, मान लेते हैं तुमको नहीं याद, तुमने अभी थोड़ा टाइम पहले टोटल एनर्जी का इक्वेशन डिराइव किया था। तो व्हाट वाज टोटल एनर्जी, 1/8 πε₀ जेडी स्क्वायर बाई आर, पक्का मतलब ई इज प्रोपोर्शनल टू 1/r, बट आर अभी तो तुमने देखा R इज इक्वल टू M, तो E इज प्रोपोर्शनल टू M, सिंपल। तो M बढ़ेगा तो E बढ़ना है, तो दैट इज व्हाई एनर्जी कैन नॉट रिमेन सेम। तो एनर्जी इन केस ऑफ म्यूऑन अपॉन एनर्जी इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज M म्यूऑन अपॉन M इलेक्ट्रॉन। तो एनर्जी इन केस ऑफ म्यूऑन इक्वल टू मास ऑफ म्यूऑन, दैट इज 207 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू एनर्जी इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैंसिल कैंसिल, 207, और ये कितना है, 13.6 eV, बराबर। तो पक्का हो गया था कि मास बढ़ रहा है तो एनर्जी बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए ना, बढ़ना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं आ सकता, ऑप्शन नंबर सी और डी भी नहीं आ सकता, ये तो कम कम हो गया है, तो 13.6 से ज़्यादा आना चाहिए था, तो क्या आ गया, -2.8, तो कम हो गया राइट। और दोनों ऑप्शन सेम है, सेम है राइट, मतलब बता दो गलती कहाँ हुई होगी इनकी, यहाँ पे ना किलो या फिर मेगा ऐसा कुछ आना चाहिए, सी और डी में से एक कहीं तो एक, किलो 10^3 वगैरह आएगा, कैसे आएगा देखो। अब क्या है, 13.66 × 207, 13.6 × 207 कितना है, 2815, तो ये 2815 eV है, तो 2.815 kiloelectron volt है, बराबर। इसलिए पिछली बैच वालों को बोला तो उनको आंसर ही नहीं मिल रहा था, क्योंकि करेक्ट नहीं है, ऑप्शन में ही करेक्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी विथ करेक्शन। तो अभी हो गया कंप्लीट, डन। तो ओवरऑल व्हाट डू यू थिंक, हाउ मेनी मिनट्स विल यू नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, 2 to 3 minutes, आई अज्यूम यू विल टेक 4 to 5 minutes, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो राइट right? करेक्ट, अगर याद है तो अराउंड 2 minutes और लेस देन दैट, लेकिन अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यू विल सॉल्व दिस इन 10 seconds। रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, मास बढ़ेगा रेडियस कम होगा एनर्जी बढ़ेगा, मास बढ़ेगा तो रेडियस कम होगा एनर्जी बढ़ेगा, एक ही आंसर है वैसा, एक ही आंसर है जिसमें रेडियस, देखो रेडियस पहले एंगस्ट्रॉन्ग में था, अभी 10^-13 मीटर में है, मतलब रेडियस तो हर जगह पे कम हो रहा है, एनर्जी बढ़ेगा, एनर्जी एक ही जगह पे बढ़ता हुआ दिख रहा है, -2.8 kiloelectron volt, 10 seconds, डन, नो नीड टू सॉल्व, ये तो सॉल्व करना ही नहीं है। बताओ व्हाट इज द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू दैट ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर ऑर्बिट, मैग्नीट्यूड वाइज सेम होता है लेकिन टोटल इज नेगेटिव, तो टोटल इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक, तो काइनेटिक और टोटल का मैग्नीट्यूड पूछा होता तो 1:1, मतलब ऑप्शन नंबर ए, लेकिन
टोटल इज नेगेटिव, सो 1s2 -1। द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ लास्ट लाइन ऑफ बार्मेर सीरीज एंड द लास्ट लाइन ऑफ लाइमेन सीरीज इज, अभी लास्ट लाइन मतलब क्या होता है पहले वो समझ लो, उससे पहले मुझे बताओ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कितने सीरीज आपको पता है? फाइव। कौन से फाइव? लाइमेन, बार्मेर, पाशेन, ग्रैकेट, फुंड। लोअर ऑर्बिट जिस पे ट्रांजिशन हो रहा है, मतलब पी की वैल्यू फॉर लाइमेन इज 1, बार्मेर इज 2, ब्रैकेट इज 3, पाशेन इज 3, ब्रैकेट इज 4, फुंड इज 5। अगर 1 पे हो रहा है तो 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 6:1, इन्फिनिटी टू 1। तो 2:1 होता है फर्स्ट लाइन, 3:1 होता है सेकंड लाइन, 4:1 होता है थर्ड लाइन, 5:1 होता है फोर्थ लाइन, इन्फिनिटी टू 1 होता है लास्ट लाइन, जिसको आप सीरीज लिमिट भी बोलते हो। तो ये एक चीज है एनसीईआरटी में, सीरीज लिमिट को लास्ट लाइन ज्यादा ये वर्ड यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ सीरीज लिमिट, क्योंकि सीरीज लिमिट अगर होता तो आपको सबको याद होता कि सीरीज लिमिट क्या होता है। देन 3:2 फर्स्ट लाइन किसका? बाल्मेर का। 4:2 सेकेंड लाइन, इन्फिनिटी टू 2 लास्ट लाइन किसका? बाल्मेर। तो आप एक काम करो, आपको रेशो किसका पूछा है? लास्ट लाइन ऑफ बाल्मेर एंड लास्ट लाइन ऑफ, तो आपको जनरल फॉर्मूला तो पता होना चाहिए। अब इसको शॉर्टकट करेंगे, कोई भी सीरीज हो, लास्ट लाइन मतलब सीरीज लिमिट, वेट वेट वेट, थोड़ा सा घाई कम, मुझे बताओ अगर फर्स्ट लाइन है और लास्ट लाइन है तो किसका एनर्जी ज्यादा है? एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, 2:1 एनर्जी डिफरेंस कम है तो वेवलेंथ ज्यादा है, उसको बोलते हो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। क्या बोलते हो उसको? लॉन्गेस्ट। इन्फिनिटी टू 1 एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम है तो वेवलेंथ छोटा है, इसलिए तो क्या बोलते हैं उसको? शॉर्टेस्ट। तो लास्ट लाइन मतलब क्या होता है? शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, मतलब सीरीज लिमिट। गुड, फॉर एनी सीरीज लिमिट एन इज ऑलवेज इन्फिनिटी। तो 1 by lambda इक्वल टू आर 1 by p² माइनस 1 by infinity, दैट इज 0। तो 1 by lambda इज आर अपॉन पी स्क्वेयर, मतलब लैमडा इज पी स्क्वेयर बाय आर, मतलब लैमडा इज प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वेयर। किसके लिए? सीरीज लिमिट के लिए। किसके लिए? सीरीज लिमिट मतलब किसके लिए? लास्ट लाइन के लिए। आपको रेशियो पूछा था लास्ट लाइन ऑफ बाल्मेर एंड लाइमेन, तो लैमडा बी अपॉन लैमडा एल, सो दैट विल बी पी बी स्क्वेयर अपॉन पी एल स्क्वेयर। वट इज पी वैल्यू फॉर बाल्मेर? 2, एंड फॉर 1 लाइमेन इज 1, तो कितना आ जाएगा? ओ या 4:1, ऑप्शन नंबर बी। डन। गिवन द वैल्यू ऑफ रिट्सबर्ग कॉन्स्टेंट 10^7 पर मीटर, द वेव नंबर, वेव नंबर मतलब 1/λ, ओके, द वेव नंबर ऑफ लास्ट लाइन ऑफ बाल्मेर सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विल बी, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी मैंने तुमसे तुमको बताया 1 by lambda मतलब वेव नंबर, डिनोट करते हैं इसको नॉर्मली न्यू बार से। लास्ट लाइन के लिए मतलब सीरीज लिमिट के लिए आर बाय पी स्क्वेयर, और बाल्मेर सीरीज के लिए तो पी की वैल्यू तुमको पता होगा ही कितना है? 2, और आर की वैल्यू कितनी है? 10^7, और ये कितना है? 2, 2 का स्क्वायर कितना है? 4, 1/4 कितना है? 0.25 × 10^7 पर मीटर, हो गया खत्म, ऑप्शन नंबर ए। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम जंप्स फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू सेकेंड ऑर्बिट, फर्स्ट लाइन ऑफ विच सीरीज? 3:2 बाल्मेर सीरीज। इट इमिट्स अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। When it jumps from fourth orbit to third orbit, first line of which series? Paschen series.
द करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ ऑफ द फोटोन विल बी, तो क्वेश्चन ऐसा है कि जब 3 to 2 ट्रांजिशन हुआ तो वेवलेंथ कितना है, लैम्डा, जब 4 to 3 हो रहा है तो कितना है ये पूछा है, तो फॉर्मूला तो वही लगेगा, 1 by lambda इक्वल टू आर 1 by p square माइनस 1 by n square। केस वन में p की वैल्यू थी 3, ठीक थी ना, 3 थी कि 2 थी, 2, और n की वैल्यू कितनी थी 3, तो वेवलेंथ है लैम्डा 1 by 2 square दैट इज 4 माइनस 1 by 3 square दैट इज 9। तो 1 by lambda इक्वल टू आर 9 minus 4 5 अपॉन 36, इक्वेशन नंबर 1। केस टू में 4 to 3 बोला है तो p की वैल्यू 3 है और n की वैल्यू 4 है, तो 1 by lambda डैश बोल देता हूं इस केस में, r 1 upon p square दैट इज 9 माइनस 1 by 16, तो 1 by lambda डैश इक्वल टू 7। हाँ ठीक है, जरूरत नहीं है 144, लेकिन जरूरत नहीं है, कीप इट लाइक दिस। इक्वेशन नंबर 2, डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 बाय इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि आपको क्या चाहिए, न्यू वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ ओरिजिनल वेवलेंथ, और आर है कि आंसर में नहीं है, तो आर को क्या करना है, कैंसिल, तो कैंसिल करना तो क्या करोगे, डिवाइड, क्योंकि एड सब्ट्रैक्ट करके तो कैंसिल होगा नहीं, वो तो किससे होगा, वो डिवाइड से, तो डिवाइड कर लो, 1 by lambda upon 1 by lambda dash इक्वल टू ये कितना था 5 r by 36, और वो कितना है 7 r by 9 into 16। आर आर गया, 1 जा एंड 4 जा 1 जा एंड 4। गुड, देन पक्का पक्का, श्योर श्योर, ये ऊपर जाएगा 20, 5 4 20, नीचे क्या रह गया 7, तो 20 by 7, और ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा, लैम्डा डैश बाय लैम्डा, व्हाट इज लैम्डा डैश 20 by 7 टाइम्स ऑफ लैम्डा, 20 by 7 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, कंसिडर थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस यूजिंग नॉन रिलेटिविस्टिक अप्रोच, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिट विल बी गिवन, के वैल्यू इज 9 into 10 raised to 9, ऑफ कोर्स कांस्टेंट है, दे वांट टू से एसआई यूनिट्स, ओके वो गलत है, वहां पे एसआई यूनिट बोलना चाहिए, जेड इक्वल टू 2, एच इक्वल टू 6.6 into 10 raised to -34। तो द थिंग इज, ये नॉन रिलेटिविस्टिक अप्रोच का मतलब क्या होता है पहले ये पता होना चाहिए, मे बी इट इज इररिलेवेंट फॉर यू, लेकिन पता होना चाहिए, रिलेटिविस्टिक अप्रोच मतलब व्हेन अ पार्टिकल ट्रेवल्स एट वेरी हाई स्पीड, कितना हाई, कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट, तो जब एक पार्टिकल इफ इट ट्रेवल्स एट स्पीड ऑफ लाइट 3 into 10 raised to 8 के आसपास, ज्यादा तो हो नहीं सकता, मतलब उसके उससे कम, थोड़ा सा कम, उस केस में पार्टिकल का मास कम हो जाता है। नॉर्मली क्या होता है, पार्टिकल जब मूव हो रहा है तो उसका मास कम होता है क्या, नहीं, लेकिन इस केस में क्या होता है, मास कम हो जाता है, तो उसकी वजह से एक करेक्शन फैक्टर लाते हैं, उसको बोलते हैं गामा फैक्टर, वो आउट ऑफ स्कोप ऑफ योर सिलेबस है, सिर्फ पता होना चाहिए कि व्हेन समथिंग इज ट्रैवलिंग एट वेरी वेरी हाई स्पीड्स कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट, उसका मास कम होता है, तो करेक्शन के लिए गामा फैक्टर डालते हैं वहां पे। तो उन्होंने क्या बोला है आपको, यूजिंग नॉन रिलेटिविस्टिक, मतलब तुमको ये करेक्शन करने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब जो तुमको बेसिक पता है वो अप्लाई करो, क्या पूछा है आपको, स्पीड। अब इसको सॉल्व करने के 3 मेथड्स है, सबसे सिंपल मेथड है कि तुमको स्पीड का फॉर्मूला ही पता होना चाहिए, और मैं बता दूं कैसे आएगा, आपको याद है ना mv square sorry mvr इक्वल टू nh upon 2π, ये आपने थोड़ा टाइम पहले ही लिखा, मैंने तब आपको बताया था कि रेडियस का रिलेशन क्या है n और z के साथ, क्या है, प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z। वापस लॉजिकली सोचते हैं, z अगर बढ़ेगा तो रेडियस कम होगा, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास में आ गया, बराबर, और n बढ़ेगा तो r भी बढ़ेगा। स्पीड, यू नो स्पीड इज ऑलवेज डिसाइडेड बाय एनर्जी एंड एनर्जी डिसाइडेड बाय फोर्स, सही है, करेक्ट। अब लॉजिकली सोचो, अगर हमारे पास एक सिस्टम है, मतलब एटम है, करेक्ट, उसका मैं z वैल्यू बढ़ा रहा हूँ,
जेड वैल्यू बढ़ाओगे तो चार्ज बढ़ा, चार्ज बढ़ा तो फोर्स बढ़ा, फोर्स बढ़ा तो एनर्जी बढ़ा, और एनर्जी बढ़ा तो स्पीड बढ़ा, बराबर। तो वी शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड, ये तो पक्का हो गया। इंक्रीजिंग जेड मीन्स इंक्रीजिंग फोर्स मीन्स इंक्रीजिंग एनर्जी एंड दैट मीन्स इंक्रीजिंग वेलोसिटी। और जितना जितना इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में दूर दूर जाते जाएगा, मतलब उसका ऑर्बिट नंबर बढ़ते जाएगा, डिस्टेंस बढ़ेगा, फोर्स कम होगा तो स्पीड भी कम होगा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। तो ये है ट्रिक याद रखने का। चलो हमको नहीं याद आता है क्योंकि हमको कॉन्स्टेंट्स भी चाहिए यहाँ पे, तो वो कैसे करेंगे? तो वो ऐसा करेंगे, अब वी इक्वल टू एन एच अपॉन 2π1/mr। लेकिन अभी अभी थोड़ा टाइम पहले हमने आर का इक्वेशन किया था डिराइव। आई डोंट वांट यू टू लुक एट फॉर्मूला बुक, मुझे बताओ फॉर्मूला क्या था आर का। एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0n² / z अपॉन πme² पाए पाए कैंसल, mm कैंसल, एक एच एक एन भी कैंसल। तो वी इक्वल टू देखो ऊपर क्या जाएगा ई स्क्वायर और क्या जाएगा जेड। तो मैं जेड को नॉर्मली बाद में लिखूंगा, आई विल राइट इट ओवर हियर, ओके। जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 h एप्सिलॉन 0 और साथ में n, तो ये आ गया उसका कंप्लीट फॉर्मूला। दिख रहा है v इज प्रोपोर्शनल टू z एंड इनवर्स प्रोपोर्शनल टू n, हो गया फॉर्मूला रेडी। तुमसे पूछा क्या है, क्या पूछा है? स्पीड। क्या क्या दिया है? k, व्हाट इज k? 1/4π ε₀, वो यूज करेंगे बाद में, राइट। z और h, e तो तुमको पता ही होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹ का स्क्वायर। z की वैल्यू दी हुई है 2, कितनी दी है 2 अपॉन 2 H, H is 6.6 × 10⁻³⁴। ε₀ बाद में देखेंगे, ε₀ बाद में देखेंगे। और N, थर्ड ऑर्बिट है, थर्ड नहीं वन, कैसे थर्ड ऑर्बिट बोला है, कौन सा ऑर्बिट बोला है? थर्ड, तो थ्री, तो यहाँ आ गया थ्री। यहाँ तक क्लियर? अब इसके आगे K मतलब 1/4π ε₀, सही है ना? तो एक काम करो, 4π और 4π कर लो एडजस्ट, हो गया सिंपल। देन अब क्या क्या कैंसिल होगा वो भी देखेंगे। व्हाट इज 1.6 का स्क्वायर? 1.6 × 1.6 लिखना ज्यादा बेटर है, वाई थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। × 2 × 4π, कैंसिलेशन में करता रहूंगा बाद में, आई विल कैंसिल व्हाट एवर इज रिक्वायर्ड। 2 × 6.6 × 10⁻³⁴ 1/4π ε₀ की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे हम लोग, करेंगे करेंगे अगले स्टेप में करेंगे, फिलहाल मैं लिख नहीं रहा इसको। व्हाट इज 1/4π ε₀? कैपिटल के, तो वो कैपिटल के लिख दिया, ओके। नेक्स्ट स्टेप में मैं वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दूंगा अगले स्टेप में, तुमको चाहिए तो तुम अभी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेट अस डू इट नाउ, फाइन कर दो, थोड़ा एक स्टेप कम कर लेंगे। तो यू हैव दिस 9 × 10⁹। यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का, श्योर श्योर। 1 × 4 रफली रफली स्पीकिंग, कैंसल 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 कैंसल, अप्रोक्सीमेटली स्पीकिंग कैंसल कैंसल, राइट, गुड, बराबर। क्या रह गया? 1.6 × 10⁻²। वेट 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 वेट, ऊपर रह गया -4 और ये है 9, तो 5 × 10⁵ और रह गया 9 × 1.6, 14.4। तो 1.44 × 10⁶ m/s। लुक एट द ऑप्शन, 1.46 × 10⁶, ऑप्शन नंबर डी। इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन द रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द लाइमेन सीरीज
टू दैट ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द बाल्मर सीरीज. तो बताओ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब होता है? एनुअल डिफरेंस इज स्मॉलेस्ट. लाइमेन के लिए 2:1, बाल्मर के लिए 3:2. तो 1 बाय लैमडा इक्वल टू आर 1 बाय p² माइनस 1 बाय n². नाउ केस वन इज फॉर विच लाइमेन सीरीज? लाइमेन सीरीज आपको क्या पूछा, रेशियो पूछा है ना आपको? यस, रेशियो ही पूछा है. तो लाइमेन सीरीज के लिए यू नीड टू नो p = 1 n = 2. तो 1 बाय लैमडा इक्वल टू आर 1 बाय 1 माइनस 1 बाय 2², दैट इज 1 बाय 4. वॉट इज 1 बाय 1 बाय 4? 3 बाय 4. तो 3 r/4 देन. और ये किसका था? लाइमेन का था. तो लाइमेन. केस टू किसका है? बाल्मेर. केस टू इज फॉर बाल्मेर. तो बाल्मेर सीरीज के लिए पी की वैल्यू 2 n की वैल्यू 3. तो 1 बाय लैमडा बाल्मेर इज आर 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 9. तो 1 बाय लैमडा बाल्मेर इज आर वापस से वही 5 बाय 36. इक्वेशन नंबर 2. ये इक्वेशन नंबर 1. डिवाइड इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन नंबर 1. तो 1 बाय लैमडा b अपॉन 1 बाय लैमडा l. आप बोलोगे 2 बाय 1 क्यों किया? मुझे लैमडा l ऊपर चाहिए. कहाँ चाहिए? न्यूमरेटर में. न्यूमरेटर में चाहिए मतलब फिर ये 2 बाय 1 करना पड़ेगा. व्हाट इज 1 बाय लैमडा b? 5 r/36 अपॉन व्हाट इज 1 बाय लैमडा l? 3 r/4. सिंपल. कैंसल कैंसल 1 जा एंड 9. बराबर ना कि 1 जा एंड 3 जा? नहीं ना, पक्का? क्योंकि ये गलती होते हुए देखा है तो डू नॉट डू दिस. बराबर. तो लैमडा एल बाय लैमडा बी इक्वल टू 5 बाय 27. 5 बाय 27. 5 बाय 27 ऑप्शन नंबर बी. डन.